नागिन छे की टीआरपी आ गई है और ये टीआरपी क्या कहती है? क्या नागिन वाकई में लोगों के दिलों में वो जगह बनाने में कामयाब रह पाया? क्या अभी भी लोग इस शो को पसंद कर रहे हैं? तो क्या कहती है टीआरपी, मैं हिना कुमावत फिल्म विंडो पे आपको बताऊंगी। तो जो टीआरपी आई है उसमें कलर्स के शो की मैं बात करूं तो उडारिया नंबर वन की पोजीशन वापस पाने में कामयाब हो गया है और 1.9 की टीआरपी है। नागिन की बात करूं तो नागिन की टीआरपी 1.9 से 1.7 हो चुकी है और 0.2 से गिर गई है। टॉप 10 शो की मैं बात करूं तो ये बहुत मुश्किल लग रहा है कि इसने जगह बनाई हो, क्योंकि गुम है किसी के प्यार में 2.6, इमली 2.3, साथ निभाना साथिया 1.8, ये रिश्ता 2.4, अनुपमा 3.4, ये है चाहते 2.6। तो स्टार के लगातार कई ऐसे शो हैं जो नागिन से आगे हैं और जी के भी कई ऐसे शो हैं, चाहे कुमकुम हो कुंडली हो, जो नागिन से आगे निकल गए हैं। तो टॉप 10 से भी अगर मैं कहूं तो नागिन बाहर हो चुका है और 1.7 की टीआरपी आई है। कुछ समय पहले फैंस ने एक ओपन लेटर एकता को लिखा था और कहा था कि शो में ऐसी क्या चीजें हैं जो बदलाव वो चाहते हैं और क्यों जो है ये शो लोगों को पसंद नहीं आ रहा, जिसमें सबसे बड़ा कारण था इस शो के कॉस्ट्यूम जो बहुत ज्यादा रिवीलिंग है और टीवी पर आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर शो नहीं दे सकते। दूसरा था इसके वीएफएक्स, तो वीएफएक्स को लेकर भी जो है आप देखेंगे कि अगर इस तरह का शो है तो वीएफएक्स पर अच्छा खासा खर्चा किया जाना चाहिए, तब वो थोड़ा कन्विंसिंग लगता है, रियलिटी के करीब लगता है। तो अब जो है 2.2 से इसकी टीआरपी और गिरी है और शो को एक बहुत बड़ा झटका लगा है।